हम लेके आए आप लोगों के लिए टाटा सफारी की वीडियो। टाटा सफारी के लॉन्च हुए हालांकि 3-4 महीने हो चुके हैं और मार्केट में गाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया है। बहुत लोगों को ये गाड़ी पसंद आई है और आज इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे। ब्लू कलर में हमारे पास अवेलेबल है और इस गाड़ी के क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं और कैसी ये गाड़ी चलने में है, दोनों के इसकी आपके वीडियो मिल जाएंगे। ड्राइव इंप्रेशन का भी वीडियो आएगा और गाड़ी के फीचर्स का भी वीडियो आएगा, तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा इस गाड़ी को। और आइए इस गाड़ी के बारे में क्विक वॉक अराउंड लेते हैं और जानते हैं इस गाड़ी के बारे में क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी की और गाड़ी के फ्रंट लुक के बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले की देख लेते हैं कि आपको सेम टू सेम हैरियर वाली ही मिलने वाली है देखने में, और इसमें लॉक का बटन मिल रहा है अनलॉक का, और साथ ही में आपको ये लाइट का बटन मिलने वाला है जिससे आप अपनी गाड़ी को लोकेट कर सकते हैं, और बूट खोलने का बटन भी आपको प्रोवाइड किया जाने वाला है। ये देखिए लाइट जल जाती है बटन दबाने के बाद में। साथ ही में आपको ऊपर सेम टू सेम हैरियर वाला ही आपको LED DRL मिलने वाला है जो कि इंडिकेटर्स का भी फंक्शन करता है, मल्टी फंक्शनल है ये। साथ ही में नीचे बात करें तो ये HID जेनॉन HID आपको मिलने वाली है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे हेलोजन वाला ही आपको नॉर्मल लाइट लैम्प मिलने वाले हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। इसी के साथ में ट्राई एरो डिज़ाइन दिया गया है, टाटा की सिग्नेचर ग्रिल बन रही है। आजकल आपको टाटा की ज़्यादातर गाड़ियों में ट्राई एरो डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाला है, और ये टाटा का बीच में बोल्ड लोगो। और इसी के साथ में फ्रंट लुक आपको पूरा हैरियर इंस्पायर्ड ही रहने वाला है फ्रंट लुक इस गाड़ी का। जो डिफरेंसेस आते हैं वो आते हैं साइड प्रोफाइल से। हैरियर नॉर्मल एडिशन आपको 17 इंचेस एलॉय व्हील प्रोवाइड किए जाते हैं, बट इसमें मशीन कट 18 इंचेस एलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हैरियर डार्क एडिशन में अभी अपग्रेड हो गए हैं। और ये गाड़ी में आपको ऑल व्हील डिस्क प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही में इसके सस्पेंशन भी थोड़े से स्टिफ हैं हैरियर के मुकाबले। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश के ORVMs प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। इसी के नीचे आपको इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड किए जाने वाले हैं जैसे कि ये अनलॉक और लॉक पे ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। साइड में आपको हैंडल्स पे क्रोम का यूज़ किया गया है और ये आपके डोर हैंडल्स दिखने वाले हैं, खूबसूरत दिखने वाले डोर हैंडल्स हैं। अब मेन जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है यहाँ से, यहाँ तक पूरी हैरियर सेम आती है बट हैरियर यहाँ से ऐसे डाउनफॉल हो जाती है और ये आप हो जाती है क्योंकि पीछे वालों के लिए हेडरूम के लिए इस गाड़ी को थोड़ा सा मस्कुलर लुक देने के लिए और SUV लुक देने के लिए यहाँ से गाड़ी की थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ की गई है। और यहाँ पे आपको सफारी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है इसी के साथ में क्रोम में। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे आप डीजल फिल कर सकते हैं जो गाड़ी अनलॉक होने पर ही होता है। और साथ ही में गाड़ी के बैक प्रोफाइल पे आते हैं तो बैक प्रोफाइल में आपको काफ़ी खूबसूरत से दिखने वाले टेल लैंप्स मिलने वाले हैं जो कि हैरियर में और सफारी में दोनों में ही बेहतरीन आते हैं। और बटन दबाने के लाइट जलने पे ये भी ग्लो करने लगते हैं और इनमें भी LED आपको प्रोवाइड की गई है। साथ ही में आपको यहाँ पर सफारी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जैसे कि हैरियर की ब्रांडिंग आपको देखने मिलती है वैसे यहाँ पर सफारी की भी ब्रांडिंग आप लोगों को देखने मिलती है। और ये रियर का डिफॉगर दिया गया है, ये वाइपर दिया गया है, ये आपका पीछे का स्पॉयलर है, और ये आपका शार्क फिन एंटीना है, और ये रूफ रेल्स दिए गए हैं जो कि फंक्शनल नहीं है, सिर्फ लुक के लिए प्रोवाइड किए गए हैं गाड़ी में। और ये वोकल फॉर लोकल की ब्रांडिंग है। इसी के साथ में गाड़ी का ये पूरा प्रोफाइलिंग है, एक बार आपको पूरा वॉक अराउंड करके दिखा देते हैं गाड़ी की प्रोफाइलिंग। गाड़ी काफ़ी खूबसूरत दिखती है इन टर्म्स, और ज़्यादातर लोगों को ये गाड़ी पसंद ही आई है। बाकी गाड़ी की अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर किस लेवल का रहने वाला है। और पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड का शोर आ रहा होगा क्योंकि हम लोग इस गाड़ी को हाईवे के साइड में खड़े करके शूट कर रहे हैं, और गाड़ी की हमने ड्राइव इंप्रेशन की वीडियो भी बनाई है, वो भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। और अब बात करते हैं इंटीरियर की गाड़ी की, तो पहले इंटीरियर में चलते हैं फिर बात करेंगे। कर लेते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में चलते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा लुक डिफरेंट दिखने वाला है हैरियर के मुकाबले। तो यहाँ पे आपको आइवरी कलर में आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है, और ब्लैक एंड आइवरी का यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। ये आपको ब्लैक कलर में देखने मिलने वाले हैं ग्रैब हैंडल्स, और यहाँ पे पूरे आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये लॉक एंड अनलॉक का, ये बटन्स काफ़ी ज़्यादा, और ये अनलॉक करने के लिए जो हमारा लीवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है।
फिट एंड फिनिश में गाड़ी में कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। साथ ही में सीट कवर्स की बात कर ली जाए तो सीट आपकी पूरी लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है आइवरी कलर में ही, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसमें आपको लंबार्ड सपोर्ट भी मिलता है, जैसे कि अगर मैं आपको साइड प्रोफाइल से दिखाऊँ तो ये होता है लंबार्ड सपोर्ट। इतना हालांकि आपको देखने नहीं मिलेगा कैमरे में। आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, फिर एक बार गाड़ी के अंदर की बात करते हैं। तो अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर कैबिन नॉइस में हल्का फुल्का आपको इंजन का नॉइस आता है, हल्का फुल्का, बहुत माइन्यूट सा, जो कि गाड़ी खड़ी रहती है तब ज़्यादा आता है। और ऐसे कह सच कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है पियानो ब्लैक फिनिश में पूरा इंटीरियर, पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे आपको एसी क्यू वेंट्स के ऊपर मिलने वाली है, और ये पूरा सेंटर कंसोल भी पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने मिलने वाला है। ये नीचे के बटन्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फील होते हैं, और साथ में ये इजी रीच वाले बटन्स हैं। ये फॉग लैंप्स के बटन आपको देखने मिलने वाले हैं। यहाँ से सेंटर स्टार्टिंग करें तो ये फॉग लैंप्स के बटन है, जब अपन हेडलाइट को ऑन करते हैं तो ये बटन तब फंक्शन में लिए जाते हैं। साथ ही में आपका ये हैजार्ड लैंप का स्विच है, ये इकोनॉमी मोड है, ये स्पोर्ट मोड है, और ये 8.8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। और उसी के साथ मैं अगर बात करें तो ये आपको सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे देखने मिलने वाला है, ब्लैक कलर में सॉफ्ट टच में आपको पूरा प्रोवाइड किया जाने वाला है। और इस ट्रीटमेंट की बात करें तो ये भी वुडन ट्रीटमेंट जैसा ही आपको एक लुक दिया गया डार्क शेड में, जो कि गाड़ी के साथ में काफी ज्यादा खूबसूरती से बैठता है। उसके साथ में ये नीचे एक पार्ट ऐड किया गया है जो कि सिल्वर फिनिश में है, जो कि बेहतरीन बना देता है लुक को, प्रीमियम फिनिश देता है, और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। ये गाड़ी का टैकोमीटर है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर हम जो बात करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपका सेम टू सेम वही हैरियर वाला आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने मिलने वाला है। यहाँ पे पूरा आपका सेमी डिजिटल है, ये एनालॉग है और ये डिजिटल है। यहाँ पे आरपीएम मीटर आपको पूरा डिजिटल में देखने मिलने वाला है, पावर फिगर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और इसको अगर हम टॉगल करें, वैसे अगर मैं आपको बता दूँ तो ये आपका डीपीएफ का है मिड लेवलर, और ये फ्यूल का लेवलर है, और इसी के साथ में ये ओडोमीटर आपको दिया जा रहा है, टेम्परेचर वगैरह की भी इसमें आपको वार्निंग लाइट दी जाती हैं। इसी के साथ में इसको जो हैरियर से डिफरेंट बनाता है, या फिर कहते हैं तो ये टीपीएमएस यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इस गाड़ी में इनबिल्ट दिया जाता है। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि अभी गाड़ी के लेफ्ट साइड वाले रियर व्हील में आप टायर प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तो ये उसकी वार्निंग लाइट्स भी अभी जला रहा था, अभी मैं चेक कर लिया है, तो ये बता देता है कि टायर को चेक कीजिए। इसी के साथ में ये गाड़ी के टायर्स का टेम्परेचर भी बताता है, जो कि गाड़ी को और बेहतरीन बना देता है। इसी के साथ में बात करें पावर फिगर वगैरह आपको यहाँ पे देखने मिलता है, दोनों साइड बढ़ता है, और सिटी मोड में अभी गाड़ी तो सिटी मोड भी बताता है। 8.6 किलोमीटर पर लीटर की अभी है फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है, क्योंकि हम गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है एक जगह पे, तो शूट करते हैं तो शूट के टाइम पे ये फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप हो जाती है गाड़ी की जगह पे खड़ी रहती है, तो इसको असली मत मानिएगा, असली इसकी फ्यूल इकोनॉमी अलग होगी, जो कि मैं आपको बता दूंगा गाड़ी में लास्ट में कि क्या इसकी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दे रही है गाड़ी। इसी के साथ में अगर बात करें तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ पे जो एक्चुअल में दे रही होगी वो भी आपको यहाँ पे बताते रहेगा। डिस्टेंट टू एम्प्टी भी यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, 58 किलोमीटर्स रह गए हैं, मतलब 58 किलोमीटर्स और गाड़ी चलेगी, ये डिस्टेंस टू एम्प्टी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में सेटिंग में आपको एंटर करना है तो आप यहीं से एंटर कर सकते हैं, और अगर साइड में आते हैं तो साइड में आपको यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है बाय द वे। और ये आपकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो कि आपको साइड में दिए गए हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल हैं, ये आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पे। और इसी के साथ में अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपके पूरा क्रूज कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि सेम टू सेम एज इट इज हैरियर में जैसे आपको प्रोवाइड किया जाता है, सेम टू सेम वही स्टेयरिंग व्हील, वही सारे कंट्रोल्स, वॉल्यूम के, कॉल पिकअप ड्रॉप एंड वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल ड्रॉप वगैरह, वॉइस कमांड वगैरह के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। इसी के साथ में हमने जो टच स्क्रीन डिस्प्ले देखी थी वही सारे कंट्रोल्स इसमें भी आपको वही सेम देखने मिलने वाले हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ऑडियो सेटअप वगैरह सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ वही सेम टू सेम देखने को मिलने वाली हैं। कुछ हल्के फुल्के स्लाइटली चेंजेस किए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको वही देखने को मिलने वाली हैं। इसी के साथ में अगर व्हीकल सेटअप में मैं आपको जाके दिखाता हूँ तो व्हीकल सेटअप में आप पार्क असिस्ट वगैरह, लाइटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर मैं रिवर्स गियर इंगेज करता हूँ एक बार, तो रिवर्स कैमरा आप एक बार देख लीजिए गाड़ी का, रिवर्स कैमरा में आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस भी देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और गाड़ी का कैमरा, रिवर्स कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइड है और क्लियर है, अच्छा खासा व्यू आपको दे देता है। इसको वाइड भी कर सकते हैं, ये देखिए हम वाइड भी कर सकते हैं इसको, और जूम करके भी देख सकते हैं कोई चीज़ हमें स्पॉट नहीं दिख रहा है तो, और ये नॉर्मल मोड है इसका, तो ये हम देख सकते हैं। इसी के साथ में हम इसको चलते टाइम भी ऑन कर सकते हैं, और ये आपका पूरा पार्किंग वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, गाड़ी चल रही है तब भी, ये देखिए जैसे कि मैंने अभी ऑन कर दिया तो, और होम स्क्रीन पे चले जाते हैं तो। बाकी सारा मैं आपको इसका ऑडियो आउटपुट भी सुना दूंगा,
ऑडियो आउटपुट भी इसमें सेम वही सेटअप दिया गया है, 8 स्पीकर्स मतलब 9 स्पीकर्स वाला, 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स जो कि 2 आगे दिए गए, 2 पीछे दिए गए, और 2 आगे आपको ट्विटर्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन गाड़ी में आगे सबवूफर नहीं दिया गया, सबवूफर आपका पीछे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आपको पूरे एसी कंट्रोल्स दिए गए, नॉब वगैरह बहुत अच्छे दिए गए हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। ये देखिए जैसे कि नॉब वगैरह बहुत प्यारे दिए गए हैं, आपके फॉग लैंप्स के कंट्रोल हैं, और ये डिफॉगर वगैरह के कंट्रोल हैं, और ये एसी वगैरह के कंट्रोल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसी के साथ में नीचे आते हैं, तो नीचे आपको ये ऑक्स का पोर्ट है, ये पेन ड्राइव का पोर्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ये मोड्स दिए गए हैं, ये नॉर्मल सिटी मोड है, इसके बाद में अगर मैं चेंज करूँगा तो गाड़ी खुद बताएगी कौन सा मोड है। वेट मोड एक्टिवेटेड, ये वेट मोड है। रफ रोड मोड एक्टिवेटेड, ये रफ रोड मोड है जो सबसे पहले रखा गया था। वेट मोड एक्टिवेटेड, सिटी मोड है, हम आप सिटी में गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मली, तो आप ये मोड पे रखिए। थोड़ा वेट रोड है जहाँ पे आपको ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा चाहिए, तो आप वहाँ पे वेट मोड रख सकते हैं, और उबड़ खाबड़ रास्तों पे, खराब रास्तों पे आप रफ रोड मोड भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी उस हिसाब से उस टेरेन में बेहतरीन परफॉर्म करेगी। साथ ही साथ अगर आप ये बटन देखेंगे तो ये भी आपको ESP का बटन दिया गया है, और ये हिल होल्ड का बटन दिया गया है, तो ये सारे आपको यहाँ पे फंक्शन देखने मिलते हैं। गाड़ी में 6 स्पीड गियरबॉक्स प्रोवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पे और ऑटो होल्ड के साथ में आता है, जो कि हैरियर में हमें देखने नहीं मिलता है, बट टाटा सफारी में हमें देखने को मिलता है। ये साथ में कप होल्डर्स हैं, ये छोटा सा हमारा आर्म रेस्ट है जहाँ पे आपको 12 वोल्ट का स्टार्टिंग सॉकेट मिलता है, साथ ही ये कूल्ड ग्लव, ये आर्म रेस्ट है, और इसमें 2 USB पोर्ट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। ये है ग्लव बॉक्स जो डिसेंट साइज का है, जिसमें आप आराम से रख सकते हैं कोई भी आइटम अपना, और मेरे ख्याल से ये शायद नॉर्मल वाला ग्लव बॉक्स है। इसमें लाइटिंग भी प्रोवाइड की गई है, ये बहुत अच्छा टच दिया गया है। साथ ही साथ ये आपका वैनिटी मिरर है, वैनिटी मिरर विद लाइट, यहाँ पे आपके सनरूफ से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, और ये आपकी सनरूफ देखने को मिलने वाली पैनोरमिक सनरूफ जो कि काफ़ी ह्यूज है साइड्स में, जो कि इस गाड़ी को बेहतरीन बना देती है। LED आपको लाइट्स देखने को मिलने वाली है गाड़ी में, और सनरूफ भी अगर एक बार मैं आपको खोल कर दिखा दूँ तो ये सनरूफ उठ गई, इस बटन से इतना उठती है। फिर इसके बाद में अगर मैं सनरूफ खोल के बताऊं तो ये खुलती है पूरी सनरूफ, अच्छी खासी सोर्स ऑफ लाइटिंग आ जाती है सनरूफ खोलने के बाद में गाड़ी में, और अभी इसको बंद कर देते हैं। बारी है गाड़ी के म्यूजिक आउटपुट सुनने की, तो एक बार म्यूजिक आउटपुट आपको सुनवा देते हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं 9 स्पीकर्स। टाटा हैरियर में तो हमने इसकी स्पीकर क्वालिटी देखी थी, काफी बेहतरीन थी, और वही सेम सेटअप इसमें यूज किया गया है, तो इसमें भी एक बार हम सुन लेते हैं। बैक स्पेस पे देखने के लिए, तो बैक में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, बैक में भी आपको ये पूरा सॉफ्ट टच आपको मटेरियल देखने को मिलने वाला है। इसी साथ में हमारे साथ सर हैं, तो सरिंग कम्फर्ट आपका कैसा है आप ये बताइए। बेहतरीन सर। और आप अभी गाड़ी में बैठ के आए थे तो आपको कैसा फील हो रहा था गाड़ी में? बहुत ही अच्छा सर फील हो रहा है मुझे। तो सर टाटा मोटर्स में सेल्स पे हैं और सफारी की डीलिंग सर ही करते हैं, तो सर से बाद में हम बातचीत करेंगे, पहले हम गाड़ी के और फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे रियर में आपको, यहाँ पे साइड में आपको एसी वेंट्स देखने मिलने वाले हैं, जैसे कि हैरियर में भी सेम टू सेम आपको देखने को मिलता है। इसी साथ में यहाँ से आपके पूरी सनरूफ का पूरा रीच आपको देखने को मिलने वाली है, सनब्लाइंड अभी हमने लगा दिया है, और ये हमारी रहने वाली सेकंड रो, तो सेकंड रो की स्पेस ये है, और यहाँ पे आपको नीचे भी आपको USB के पॉइंट्स देखने मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार तो ये आपके USB पॉइंट्स हैं दो, और यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस है जहाँ पे आप अपना कोई भी आइटम रख सकते हैं छोटा मोटा,
और सीटिंग के पीछे भी आपको, सीटों के पीछे भी थोड़ी बहुत स्पेस आपको देखने मिल जाती है, जिसमें आप कुछ भी अपना कागज वगैरह रख सकते हैं। इसी के साथ में अब थर्ड रो की बारी है, तो थर्ड रो एक बार आपको दिखा देते हैं। तो अब बारी है अंदर थर्ड रो में देखने की, तो सर को हमने थर्ड रो में बैठा दिया है। थर्ड रो का हम लोग सिटिंग कम्फर्ट देख लेंगे। सबसे पहले रीच देख लेते हैं, एक हाथ से ये कैसे जा सकती है। तो ये बटन को मैंने हल्का सा ऐसे प्रेस किया और बिल्कुल ईजिली एक हाथ से हो जाती है। इसी के साथ में अब पीछे वाली सीट पर हमने सर को वहीं बैठा दिया जहाँ पर सर पहले आगे बैठे थे, उसी रूम में हमने पीछे बैठा दिया बिना एडजस्ट किए। तो सर आप बताइए कैसा आपका कंफर्ट आ रहा है थर्ड रूम में बैठ के। सर थर्ड रूम में भी मुझे बहुत अच्छा आ रहा है, कंफर्ट आ रहा है और गाड़ियों की अपेक्षा बहुत अच्छा है सर। और रिक्लाइन एंगल कैसा है गाड़ी का, मतलब और लास्ट रूम में थर्ड रूम में हमें सीधी सीट देखने को मिलती है, इसमें थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा देखने को मिला है सर। और पीछे आपको एड्रेस भी प्रोवाइड किया गया जिससे आप कंफर्टेबली बैठ पाए। जी सर। और साइड में मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि आपको नॉब भी दिया गया है एसी की, जी सर, जी। वेंट को कवर करने के लिए, और एसी वेंट भी दिया गया है। जी दिया सर। वैसे बोला जाता है थर्ड रो बच्चों के लिए सफिशियंट है, पर कोई एडल्ट भी बैठ सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए। जी बैठ सकता है सर। ये स्पेसिंग रहने वाली है और साथ में आपको पीछे दो पावर स्विच वो मिलने वाले यूएसबी आपको, जिससे आप अपना फोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। इसी साथ में बूट स्पेस की बात करते हैं, तो बूट स्पेस के लिए एक बार सबसे पहले बूट में चलते हैं। तो बूट में थर्ड रो अप होने के बाद में आपको बिल्कुल भी बूट स्पेस नहीं मिलने वाला है। और अगर हम सीट्स डाउन कर देते हैं तो एक बार सर से जानना चाहेंगे, सर बताइए बूट स्पेस कितना हो जाता है सीट्स डाउन करने के बाद में। सर इसकी सीट डाउन करने के बाद इसका बूट स्पेस 447 लीटर का हो जाता है। 447 लीटर्स का बूट स्पेस हो जाता है थर्ड रो की सीट डाउन करने के बाद। और अगर मैं मिडिल रो की सीट भी डाउन कर दूं तो कितना बूट स्पेस हो जाएगा गाड़ी का। 910 लीटर्स का बूट स्पेस आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देगी। तो अगर आप थर्ड रो की सीट डाउन करके चल रहे हैं तो आपको सफिशियंट बूट स्पेस मिल जाएगा। ये कह सकते हैं कि हैरियर के मुकाबले, हैरियर के बराबर या हैरियर से थोड़ा ज्यादा ही मिलता है। हैरियर से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, हैरियर से थोड़ा ज्यादा मिलता है थर्ड रो की सीट्स डाउन करने के बाद में। अगर थर्ड रो आप है तो आपको बूट स्पेस ना के बराबर है, फिर आप कुछ भी नहीं रख सकते। यहाँ पे आपको पूरे टूल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपका ये DVF यहाँ से फिलअप होता है जैसे कि टाटा रियर में होता है सेम टू सेम। आप जो स्पेयर व्हील की पोजीशन की बात कर लेते हैं तो टाटा रियर में सेम टू सेम आपको जहाँ पे मिलता है वही आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। और ये 16 इंचेस का आपको मिलने वाला है, स्टील व्हील है, ये अलॉय व्हील नहीं है, स्टील व्हील आपको देखने को मिलने वाला है जो कि आप इमरजेंसी पर्पस में यूज़ कर सकते हैं थोड़ी बहुत दूर चलाने के लिए गाड़ी को। तो ये था टाटा सफारी का एक क्विक वॉक अराउंड जो मेरी तरफ से था, और मैंने गाड़ी को चलाया और मैंने गाड़ी के बारे में फीचर्स के बारे में जाना और गाड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी। मैं हम लोग बात करा देते एक बार सर से जहाँ पे सेल्स में रहने वाले हैं, तो सर पहले अपने इंट्रोडक्शन दे दी। सर मेरा नाम ब्रजेश नागर है और मैं यहाँ सीए हूँ। गाड़ी की एक बार प्राइसिंग बता दीजिए कस्टमर। 17 लाख से स्टार्टिंग है इसका और ये 24 लाख तक जाती है। 24 लाख तक गाड़ी की टॉप मॉडल की कीमत जाती है ग्वालियर में। और ये टॉप मॉडल आप लोगों ने देखा और जो कि हमने चलाया और आप लोगों ने वीडियो में देखा इसका ओवरव्यू। और अब सर एक बार एड्रेस बता दीजिए कस्टमर्स को कि वो आप गाड़ी आके देखना चाहते हैं ग्वालियर में तो कहाँ पे आके देख सकते हैं। सर अपना एड्रेस है समर्थ टाटा मोटर्स कार सीपी लिंक रोड ग्वालियर में है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जिम्मेदार बनिए, जिम्मेदार चलिए। सर एक बार आप भी बोल दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए। सर हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।